खान साहब से पहले तो मुलाकात के हवाले से मैं बता दूं कि हमें तकरीबन 45 मिनट्स यहां पर गेट के बाहर धूप में इंतजार करवाया गया। हमने रिक्वेस्ट की कि ये हमारी टीम है 11 रुकनी और हमें इजाजत दी जाए। एटलीस्ट 45 मिनट्स के बाद इस बात पे आए कि दो लोग आ जाएंगे। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि यूं ना करें और हमारी जो टीम है उसको इजाजत दी जाए, मुकम्मल टीम को इजाजत दी जाए। 6 लोगों को इजाजत मिली। खान साहब से जाकर हम मिले हैं। आज वहां पर जो कोर्ट थी वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं उनके कमरे में लगाई गई और वहां पर हमने यही सवाल किया कि कब इनका जो रिमांड है वो लिया गया, कब इस्तदा की गई। हमें तो कोई पता ही नहीं है कि कब इस केस के अंदर गिरफ्तारी डाली गई है। तो जज साहब ने वाजह तौर पर बताया कि 15 तारीख को इनका जो अरेस्ट है वो FIA ने डाल दी और उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने कहा कि हमें फिजिकल रिमांड चाहिए इनका। तो मैंने उनकी ये इस्तदा जो है मुस्तरद की और इनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया, क्योंकि उन्होंने जज साहब ने ये कहा कि फिजिकल जब रिमांड के लिए उन्होंने इस्तदा की तो मैंने उन्हें बताया कि मुल्जम का यहाँ पर होना जरूरी है, पेश होना जरूरी है, तो उनकी गैर मौजूदगी में कैसे मैं फिजिकल रिमांड दे सकता था। ये बात वाजह बताई गई। अब जो आइन का आर्टिकल 10(1) जो मैं कल भी कह रहा था वो वाजह है कि आपने उस शख्स को इंफॉर्मेशन देनी है कि आपको इस केस के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है और इसी के अंदर ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो इसका 2 है वो कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में आपने पेश करना है। ना तो खान साहब को अरेस्ट का पता है। मैंने फिर वाजह तौर पर खान साहब से पूछा कि क्या आपको गिरफ्तारी के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन थी या आपको बताया गया कि आपकी गिरफ्तारी हो गई है। खान साहब ने वाजह उसके ऊपर ये कहा कि मुझे अभी तक आप अभी सामने मैं सुन रहा हूं कि मेरी जो है इन्होंने गिरफ्तारी उस मुकदमे में डाल दी है या उस मुकदमे में मुझे रिमांड पे जो है जज साहब ने ऑर्डर कर दिए हैं। मुझे किसी तरह से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं अब तक इससे पहले तक मिली थी। अच्छा बताइएगा कि जो KPK के इलेक्शन हुए खान साहब को वो खबर आपने पहुंचाई उस टाइम खान साहब का मोराल कैसा था, क्या आपके साथ बातचीत हुई? बिल्कुल जी, मैंने उन्हें बताया और क्योंकि उन तक जो है इस हवाले से इन्फॉर्मेशन बाहर से नहीं जाती और उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे बताओ कि क्या पोजीशन है। और मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने ये कहा कि कितनी जो सीटें हैं हमारी जो PTI जीती है। मैंने कहा जितने उम्मीदवार थे पार्टी से उनमें से हम जो है टॉप पे हैं। तो बड़ा माशाल्लाह वो खुश थे लेकिन साथ साथ जो है ना लोगों को अप्रिशिएट कर रहे थे कि जिस तरह से लोग 14 अगस्त पे निकले या अगले दिन प्रोटेस्ट किया गया कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो मेरी जंग थी वो मेरी जारी है, चाहे मैं जेल के अंदर मौजूद हूँ, वो मेरा मिशन जो है वो कंटिन्यू है। और इस बात की मुझे खुशी है कि लोगों के अंदर शऊर आ गया हकीकी आजादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए वो ये जंग जारी रखे हुए हैं। और मैं भी किसी तरह से मैं ना घबराया हूँ ना मैं परेशान हूँ। मैंने उनसे पूछा कि बाहर जो मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं जी कि आपकी दाढ़ी बढ़ गई है, आपको जो है इस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है, तो उन्होंने वाजिया कहा कि मुझे तो वो शेविंग वाला सामान नहीं दिया गया, वो जो कि मुझे कल मिला है और उनकी शेव जो है आज हुई थी। लेकिन उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी शेव हुई है नहीं हुई या उनको शेविंग का सामान नहीं दिया गया। वो बड़े माशाल्लाह जो है बुलंद जो है मुराल में थे और बड़ा खुश होकर कह रहे थे कि मुझे किसी तरह से कोई फिक्र नहीं है। मैंने उनके सेल के हवाले से भी पूछा कि ये रिपोर्ट एक जमा हुई है, कह रहे हैं जी कि सेल जो है आपका वो बड़ा जो है बेहतर कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। उनका जी नहीं, 4 सेल है, उनमें से 1 सेल है जिसमें मैं रह रहा हूँ और कोर्ट यार्ड है, कोई इस तरह का ओपन स्पेस नहीं है। लेकिन जिसमें भी रखा हुआ है मुझे, मैं उसमें आधी हो गई और जितनी किताबें, उन्होंने कहा कि यार वो मैं किताबें सारी पढ़ चुका हूँ, नई किताबें जो है वो भिजवाएं, जो करंट जो है हिस्टोरिकल हो, जो नई किताबें हों वो मुझे दें, क्योंकि मैंने सारी पुरानी पढ़ी हुई हैं और जो मुझे किताबें आप लोगों ने भिजवाई थी, पुराने पाक जो आपने भिजवाए थे वो सारे मैंने पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे हिस्टोरिकली मजीद जो है वो बुक्स चाहिए, वो हम इंशाल्लाह उनको। पैगाम उन्होंने अवाम के नाम, अपने वर्कर्स के नाम, देखिए उन्होंने अवाम के नाम वो तकलीफ उनको इस हवाले से थी कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं उनके हवाले से वो कह रहे थे कि मुझे उनका बड़ा जो है वो हर वक्त फिक्र रहती है कि उन्हें उनके साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है। वो ये भी कह रहे थे कि कैसे चंद घंटों के अंदर 10,000 जो है वर्कर्स या लोग जो हैं हमारे गिरफ्तार किए गए 9 मई को जब मेरी गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद कैसे ये मुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये वाजह तौर पर प्लान है जो कि किया गया, ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि 10,000 वर्कर जो है एक दम से अंदर। और वो ये भी कह रहे थे कि CCTV कैमरे वो बाकायदे तौर पर उतारे गए। CCTV कैमरों के हवाले से उन्होंने वाजह कहा कि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो इसी तरह से CCTV कैमरे उतारे गए।
इसी तरह से जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर सीसीटीवी कैमरे उतारे गए जब मेरे ऊपर हमला हुआ, और इसके भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं उतारे गए, वो वीडियो सामने आनी चाहिए, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन असल जो है इसके अंदर मुलव्वस थे, उनको जो है वो कभी भी मैं ये नहीं कहता कि जलाओ घराओ या तोड़ फोड़ करें, बल्कि हमेशा मैं यही कहता हूं, बल्कि आईन भी उसके अंदर क्योंकि वाजह है कि जो है पीसफुल प्रोटेस्ट है, वो आईन जब उसकी प्रोटेक्शन है हिफाजत देता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कभी भी कोई गैर कानूनी काम हो या आप किसी के लिए कर सकते हैं, तो वो तो इजाजत आईन के मुताबिक है, वो कौन सा जुर्म है। सेहत जो उनकी देखी है माशाल्लाह बड़े ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े फ्रेश बड़े तरोताजा उनके साथ मुलाकात हुई, उसी अंदाज में हुई जिस तरह से वो पहले जमान पार्क में होते थे, ट्रैवल शर्ट उन्होंने पहना हुआ था, और बड़े माशाल्लाह एवर जो ग्रीन उनकी लुक एवर प्यारे लगते हैं, इसी तरह की उनकी जो है दरख्वास्तें दी गई हैं, थोड़ा उनके मुताबिक देखिए तीन जो है दरख्वास्तें दी गई हैं, एक जो हमने इस केस के अंदर प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दी है, दूसरा जो सिक्योरिटी के हवाले से ये जो एक बहाना बनाया गया कि जेल जो है वो अपना वो जो अदालत है वो ट्रांसफर की जाए जेल के अंदर, उस ऑर्डर को हमने चैलेंज किया है, और तीसरा हमने ये कहा है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, ये तीन हमने दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें तमाम में 3 तारीख के लिए डेट जो है वो फिक्स हो गई है, 3 को उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, नोटिस हो गया उनमें, और वो दूसरी तरफ से डेफिनेटली जो आएंगे परसू करेंगे और हमारे आर्गूमेंट्स उसके अंदर होंगे।